घटनाचक्र की बुक से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अपने 50 प्रश्न हम लोग अपने पिछले वीडियो में लगा चुके थे और आज हमें उसी के आगे 51 नंबर से स्टार्ट करना है। तो ये सारे प्रश्न आपके घटनाचक्र की बुक से लिए गए हैं, जो आपका पेपर 2016 में हुआ था, प्री हुआ था, और 2017 में मेंस का पेपर हुआ था रेलवे NTPC का। उसी के सारे ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जिसमें साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के 50 प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो तक, और आज हमें उसी के आगे 51 नंबर से स्टार्ट करना है। तो चलिए बिना कोई देर के आज का अपना पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न में लिखा गया है 4 वर्ष के लिए 5,000 रुपए, तो 4 वर्ष यहाँ समय दिया गया है 5,000 रुपए तथा 5 वर्ष के लिए 4,000 की जमा राशियों पर साधारण ब्याज। ये साधारण ब्याज का प्रश्न है, इससे पहले आपके सारे प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न हुआ करते थे। एक समान वार्षिक दर, यानी दोनों में दर समान है, तो दोनों की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर होगा उसको हम लोग आर मान लेते हैं। कुल ब्याज कितना मिलता है, 2,400 रुपए आपको कुल ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करिए, यानी कि हमें धनराशि निकालना है। एक बार फिर से समझ लेते हैं, ये 5,000 रुपया कितने साल के लिए लगाया जाता है, 4 साल के लिए लगाया जाता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, 8% होता है। ये 4,000 रुपया 5 वर्ष के लिए लगाया जाता है, और यहाँ पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आर ही रहता है। टोटल ब्याज आपको मिलता है 2,400 रुपया टोटल ब्याज मिलता है, और ये साधारण ब्याज के रूप में लगाया जाता है। क्लियर? तो ये हमारी यहाँ पर कुछ चीजें हैं, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आप इसको साधारण तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और अलग अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले आपको साधारण तरीका बता देते हैं। साधारण ब्याज निकालना है, तो जो साधारण ब्याज निकालने का हमारा फार्मूला होता है, फार्मूला कौन सा होता है, अपना फार्मूला होता है PRT/100। पी मूलधन होता है, आर दर होती है, और टी समय होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यही फार्मूला लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले के लिए फार्मूला यूज करते हैं, और दोनों के लिए हम लोग ब्याज निकालते हैं। तो पहले के लिए अगर ब्याज निकालें, तो पहले का मूलधन कितना है 5,000, और ब्याज की दर कितनी है 8%, और समय कितना है 4 वर्ष। ठीक है, नीचे कितना रहेगा 100 रहेगा, प्लस दूसरे का ब्याज निकालें, दूसरे का मूलधन कितना है 4,000, और ब्याज की दर कितनी है आर, और समय कितना है 5 वर्ष, और इसका नीचे रहेगा 100। तो PRT/100 दोनों का डेल लगा दिया है, ये पहले का ब्याज निकल आएगा, ये दूसरे का ब्याज निकल आएगा। अगर दोनों जोड़ देंगे तो टोटल ब्याज हो जाएगा, और टोटल ब्याज आपका प्रश्न में दिया गया है 2,400। इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये कितने बचेगा, 4×5=20, 200 यहाँ बचेगा, 4×5=200 यहाँ बचेगा। ठीक है, तो 200 R यानी 200 R, और यहाँ पर भी 200 R, और ये हो गया कितना 1400। ये 200 हो गया 400, तो 400 R इक्वल कितना हो गया 2400। ये दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 का भाग 24 में देंगे तो R बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 6%। तो 6% इस प्रकार हमारा आंसर R बराबर आ जाएगा। तो 6% ऑप्शन नंबर D आपका बिल्कुल सही है। इसमें आप शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक लगाने के लिए हमारा इसमें मेथड क्या रहेगा कि आप पहले इसका टोटल ब्याज निकाल लीजिए, यहाँ पर 20,000 हो जाएगा, इसका ब्याज निकाल लीजिए, यहाँ पर आपका 20,000 हो जाएगा। टोटल ब्याज अगर आपने साधारण ब्याज बहुत ही चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, तो यहाँ पर जानते हैं जितने वर्ष के लिए हमें रुपया लगाया जाता है, और यहाँ पर जितना रुपया लगाया जाता है अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, यानी 5,000 रुपया आपके 4 वर्ष के लिए लगाया गया है, तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा आपका 20,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मेथड आपको बता रहे हैं, शॉर्ट मेथड अगर आपको समझना है तो। और यहाँ पर 4,000 रुपया 5 वर्ष के लिए लगाया गया है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें टोटल रुपया निकल आएगा, ये भी कितना हो जाएगा 20,000 रुपया हो जाएगा। कुल कितना रुपया हो गया, कुल रुपया हो गया 40,000 रुपया। ठीक है, तो 40,000 रुपया हमने टोटल लगाया था, 5,000 रुपया आपके 4 वर्ष के लिए लगाया गया, यानी कि 5,000 रुपया एक वर्ष, 5,000 रुपया दूसरे वर्ष, फिर तीसरे वर्ष, फिर चौथे वर्ष, चारों वर्ष में आपका 5,000 रुपया था। इसी प्रकार 4,000 रुपया 5 वर्ष तक था, तो टोटल कितना रुपया था 40,000 रुपया। ब्याज कितना मिला है, अब हमें परसेंटेज निकालना है। ठीक है, इसको हम लोग अलग कर देते हैं, परसेंटेज निकालना है। ब्याज कितना मिला है, 2,400 रुपया ब्याज मिला है। ब्याज कितने रुपये मिला है, टोटल 40,000 रुपये पर ब्याज मिला है। तो जिस पर ब्याज मिलता है उसको नीचे लिखते हैं,
टोटल जो होता है नीचे लिखते हैं, ब्याज जो मिलता है उसे ऊपर लिखते हैं, 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। इसको सॉल्व आउट कर लीजिए, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा 424 यानी 6% आपका आंसर हो जाएगा। तो दूसरे तरीके से आप टोटल 40,000 रुपया निकाल के 40,000 रुपया पर आपको कितना ब्याज मिल रहा है, 2,400 रुपया ब्याज मिल रहा है। इससे आप तुरंत भी आंसर निकाल सकते हैं, अथवा आपका ये साधारण तरीका है PRT/100 का, ये सिंपल सा फार्मूला लगा के आप इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हैं। तो 2-3 मेथड होते हैं, कोई भी सवाल करना है तो हमारे पास 3-4 मेथड होते हैं, किसी भी तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने 52 नंबर पर। 52 नंबर का प्रश्न एक बार आप देख लीजिए। प्रश्न में कहा जा रहा है प्रतिवर्ष 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 रुपए दिए गए। तो जो हमारे ब्याज की दर है यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दिया गया है वो 20% दिया गया है और मूलधन आपका 10,000 रुपया दिया गया है। यह ब्याज अर्धवार्षिक रूप से गिना जाता है, अर्धवार्षिक मतलब छमाही रूप में आपका ब्याज गिना जाता है। तो 2 वर्ष के बाद मिश्रधन कितना होगा, अमाउंट हमें निकालना है, अमाउंट मतलब मिश्रधन हमें निकालना है। 10,000 से हमारा बड़ा ही आंसर आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 वर्ष के लिए समय दिया गया है तो हमें जो समय दिया गया है वो 2 वर्ष का समय दिया गया है, ठीक है। 2 वर्ष में कितनी छमाही होंगी, 2 वर्ष में आपकी 4 छमाही होंगी, इस चीज को आप याद रखिएगा। 1 वर्ष में 2 6-6 महीने के टुकड़े होंगे तो 2 वर्ष में 4 6-6 महीने के टुकड़े होंगे। अब यहाँ वार्षिक में ब्याज की दर कितनी है, वार्षिक में ब्याज की दर आपकी 20% है। हमने बताया था जो वार्षिक में ब्याज की दर होती है उससे आधा छमाही में ब्याज की दर होती है, तो छमाही में ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, 4%। और आपकी कितनी छमाही है, 4 छमाही है, यानी कि यहाँ पर R का मान होगा 10% और T का मान कितना होगा, 4, क्लियर। अब T का मान 4 होगा क्योंकि हमारे पास 4 छमाही है, R का मान 10 होगा क्योंकि हमें ब्याज को छमाही के रूप में लगाना है। चलिए इसमें हम सिंपल फार्मूले का ही यूज करेंगे क्योंकि इसमें अगर फ्रैक्शन बदलेंगे तो हमें 4 बार गुणा करना पड़ेगा जो कि बहुत ही कठिन संख्या प्राप्त होगी, या फिर ऐसा करते हैं चलिए इसको फ्रैक्शन के फॉर्मेट में ही कर लेते हैं। सॉरी जुकाम हो गया इसलिए बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। चलिए सॉल्व करते हैं। हमारा परसेंटेज कितना दिया गया है, 10% दिया गया है। 10% को अगर हम लोग इस प्रश्न को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूले रखकर भी अपना आंसर निकाल सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। 10% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 10/ नीचे 100 आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा, ये 1/ कितना हो जाएगा, 10। यानी अगर हमारे पास 10 रुपया हो तो हमें ब्याज कितना मिलेगा, हमारे ब्याज 1 रुपया मिलेगा। तो टोटल हमारे पास कितना रुपया हो जाएगा, 11 रुपया हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा, 10 से हो जाएगा, तो 11/10 हमारा आंसर आएगा 1 वर्ष के लिए यानी 1 बार में। ऐसा हमें कितनी बार करना है, T=4 है यानी 4 बार करना है। तो 11/10 गुणे 11/10 और गुणे 11/10 ऐसा हमें 4 बार करना पड़ेगा। ये ऊपर वाली जो गिनती होती है वो आपका मिश्रधन होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। जो नीचे वाली गिनती होती है ये हमारा मूलधन होता है। तो मूलधन अगर हमारे पास ये, इसका हम अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो मूलधन अगर ये संख्या होगी तो हमारा मिश्रधन ऊपर वाली गिनती होगी। अब हम अपने तरीके से प्रश्न को कर लेते हैं। अपना तरीका कौन सा होता है, जो हमारी वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या कितनी है, 10,000। तो 10,000 रुपया जो हमारी वास्तविक संख्या होती है इसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी उसको नीचे लिखेंगे। तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, ये देखिए 10×10×10 ये मूलधन हमारा दिया गया है, तो यही इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है यानी भिन्न वाली वैल्यू है, इसको हम लोग नीचे लिखते हैं। जो निकालना होता है उसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। निकालना क्या है, मिश्रधन, तो मिश्रधन की वैल्यू ये ऊपर दिया गया है, यानी कि आप 11×11×11 और 11×11 आपको करना है, ठीक है। इसको हम लोग अलग कर देते हैं, ये 4 जीरो नीचे वाले 4 जीरो से आपके कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, जो बचेगा वही हमारा आंसर होगा। अब आपको गुणा करना है, गुणा 11 का गुणा 4 बार करना है, 11×11×11×11 आपको 4 बार करना है। लेकिन यहाँ गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आप क्या देखिए, इकाई का अंक देखिए, ठीक है। इकाई के अंक से हम लोग बहुत सारे उत्तर अपने निकाल चुके हैं, यहाँ पर भी आप इकाई का अंक देखिए। 1 का 1 में 1 का 1 में 1 का 1 में गुणा करेंगे तो पीछे आपका 1 रहेगा, आगे कौन सी गिनती रहेगी इससे हमें मतलब नहीं है, पीछे आपका 1 रहेगा। और ऑप्शन नंबर डी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें पीछे आपका 1 आ रहा है, बाकी किसी भी ऑप्शन में पीछे 1 नहीं आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। और इस पे आप टिक लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने 5, 10, 15, 20 सेकंड
बचा सकते हैं। अगर आपका गुणा करने का मन हो तो इसका गुणा कर लीजिएगा, लेकिन हम यहाँ पर जिस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में सॉल्व करने हैं उसी प्रकार के प्रश्न सॉल्व करा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर सिर्फ टिक लगाने का नंबर मिलता है, एक सही ऑप्शन पर टिक लगाने का नंबर मिलता है, इसलिए इससे कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो सकता है इसी पर हमें पूरा ध्यान देना है। आंसर निकालने पर अपना ध्यान नहीं देना है, जब आंसर दिखने लगे तो उस पर टिक लगा के हमें आगे बढ़ जाना है, बाकी का आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर पर, ये भी सेम उसी टाइप का प्रश्न है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं किया गया है। प्रश्न में लिखा गया है यदि पी राशि यानी पी हमारा मूलधन दिया गया है, पी फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, 5 वर्ष के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर, ये जो 5 वर्ष है ये वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, समय कितना है 2 वर्ष है, ठीक है, ब्याज अर्धवार्षिक निवेश किया जाता संयोजित होता है तो 2 वर्ष के बाद कितनी राशि मिलेगी, यानी कि हमें मिश्रधन निकालना है। तो समय कितना भैया है, समय हमारा 2 वर्ष है, 2 वर्ष में कितनी छमाही होगी, 4 छमाही होगी, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है, 2 वर्ष में 1 वर्ष में 2 6-6 महीने के। अब कुछ लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 वर्ष में कितनी छमाही होगी, अरे ये तो कॉमन सेंस की बात है, तो 6-6 महीने के 2 टुकड़े 1 वर्ष में होंगे, तो 2 वर्ष में 6-6 महीने के 4 टुकड़े होंगे, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई गुणा भाग नहीं करना है, ठीक है, अगर यही नहीं आता है तो पढ़ना ही आपका बेकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये जो वार्षिक ब्याज की दर थी ये हमारा कितना था, 5% था, तो छमाही ब्याज की दर आधी हो जाएगी, यानी कि 2.5% हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारी ब्याज की दर छमाही हो गई। अब टी का मान कितना है, क्योंकि 4 छमाही है तो टी का मान आपका 4 है। अब आपको मिश्रधन निकालना है, तो हम इसमें ज्यादा गुणा भाग नहीं करेंगे, सीधे सीधे फॉर्मूला यूज करेंगे मिश्रधन का, मिश्रधन अमाउंट ए बराबर होता है पी 1+R/100 की पावर एन, पावर एन लिखिए या टी लिखिए, दोनों एक ही चीज होती है। अब इसी का हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, पी की वैल्यू क्या है, पी को पी ही माना गया है, मिश्रधन को सॉरी मूलधन को मूलधन ही माना गया है, 1+R, R की वैल्यू कितनी है 2.5 है, और नीचे कितना है 100, ठीक है, और यहाँ समय, समय की पावर कितनी है 4, क्योंकि छमाही कितना है 4 छमाही है, यानी टी की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी। इसी को सॉल्व कर लेना है, ये 100 यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2.5, ये कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा, तो यहाँ 102.5 और नीचे रहेगा 100, क्लियर, इसकी वैल्यू कितनी होगी, घात होगी 4। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 2 जीरो नीचे हैं तो जब ये ऊपर जाएंगे तो दशमलव खिसक के यहाँ जलाएगा, यानी कि पी 1.025 की पावर कितना हो जाएगा 4। ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो यही हमारी वैल्यू आ जाएगी, ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, इसी से मैच कर रहा है, इसको आपको सॉल्व नहीं करना था, बस क्या हमारा रिजल्ट प्राप्त होगा बस यही हमें लिखना था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इससे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। हमारा 54 नंबर का प्रश्न है, हर्ष ने 8,000 रुपये 4% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से उधार लिए, 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि किया जाता है, यानी ब्याज को अगर हम वार्षिक रूप से निकालें तो 2 वर्ष के बाद, इस 2 वर्ष के बाद हमारा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ये हमें निकालना है। तो प्रश्न बहुत ही आसान है, कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा करना पड़ेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला हमारे लिए थोड़ा कठिन होता है, इसलिए इस प्रश्न को हम लोग फ्रैक्शन से कर लेते हैं, आप प्रतिशत से भी कर सकते हैं या फार्मूला लगाकर भी प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग प्रश्न को फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं। तो फ्रैक्शन से सॉल्व करने के लिए ये जो आपकी ब्याज की दर लिखी गई होती है इसको हम लोग लिखते हैं, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, तो ये प्रतिशत जब हटेगा चिन्ह तो नीचे आ जाएगा 100, प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो 100 का भाग करते हैं, 4 से कैंसिल आउट करते हैं, 4 एकम 4 और ये कटेगा आपका 25 बार, यानी 25 रुपया आपका मूलधन है तो उस पर ब्याज कितना मिलेगा 1 रुपया मिलेगा, तो टोटल आपके पास कितना रुपया हो गया, 25 रुपये पर 1 रुपया ब्याज मिला, टोटल आपका 26 रुपया हो गया, कहाँ से हो गया, 25 रुपये से हो गया। तो ऐसा तो 1 वर्ष के लिए हुआ है, लेकिन ये काम कितने वर्ष के लिए करना है, 2 वर्ष के लिए करना है, जब 2 वर्ष के लिए करेंगे तो इसका हम लोग 2 बार गुणा कर देते हैं, तो 26 का 26 में गुणा करेंगे तो यानी 26 का आपको वर्ग करना है, 26 का वर्ग करेंगे तो 676 आता है, और यहाँ पर आप 25 का 25 में गुणा करेंगे तो 625 आता है। ये आपका क्या है, ये आपका मिश्रधन है, ध्यान रखिएगा बार बार आपको बता रहे हैं, ऊपर वाली संख्या मिश्रधन होती है और नीचे वाली संख्या मूलधन होती है।
अब यहाँ पर आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज आपको कितना मिल चुका है, यानी कि अगर हम लोग 4% के हिसाब से 625 रुपया लगाएंगे तो हमें कितना मिश्रधन प्राप्त होगा, 2 वर्ष बाद 676 रुपया प्राप्त होगा। तो इसमें से घटाकर आप ब्याज निकाल सकते हैं कितना प्राप्त होगा, 6 में से 5 जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा और 5 में से आपका 2 जाएगा, सॉरी 6 में से 5 जाएगा 1 बचा, 7 में से 2 जाएगा तो आपका 5 रुपया। तो 51 रुपया जो है चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है। ये सारी वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, ओरिजिनल वैल्यू हमारी नहीं है। आप प्रश्न को अपने तरीके से करेंगे। प्रश्न में ओरिजिनल वैल्यू कौन सी दी गई है, 8000 रुपया, ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू दी गई है। 8000 रुपया क्या है, मूलधन है। मूलधन हमारे हिसाब से कितना आ रहा है, 625 रुपया आ रहा है, ठीक है। जो निकालना होता है उसका गुणा करते हैं, निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज हम लोगों ने निकाल लिया है, कितना आ रहा है, 51 आ रहा है। इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो 25 से कैंसिल आउट करते हैं, ये 25 बार कटेगा, 25 का इसमें भाग करते हैं तो 25 क्या है, 75 होगा, 5 बचेगा हो जाएगा 25, 25 दूनी 50 और ये रहेगा 0। तो अब तो ये 25 से कटेगा नहीं, इसको 5 से कैंसिल आउट करते हैं तो 25 और 5 से कैंसिल आउट करते हैं तो 5 6 30 और 5 4 20, ठीक है। तो आपका क्या बचा है, आपका बचा है 64 मल्टीप्लाई बाई 51 और नीचे आपका बचा है 5। अब इसको सॉल्व करने के भी कुछ तरीके होते हैं, सॉल्व करने का तरीका क्या होता है इसको भी आप देख लीजिए। अगर आपको गुणा करना है फिर इसको आप गुणा करेंगे और फिर बाद में आप 5 का भाग करेंगे, तो ऐसा ना करके आप ऐसा कुछ काम करिए कि यहाँ पर आप 2 का गुणा कर दीजिए, यहाँ पर आप 2 का गुणा कर दीजिए। 2 का गुणा करने से क्या फ़ायदा होगा कि नीचे 10 हो जाएगा, जब 10 आएगा तो हमें ऊपर दशमलव लगाने में आसानी होगी, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया 2 और ये हो गया 5 2 10, और गुणे कितना है 64 पहले से ही लिखा है और नीचे कितना हो गया 10। अब ऊपर गुणा करना है, गुणा करने के बाद क्या करना है, जो आएगा पीछे से दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यानी 64 का 102 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6528 ये हमारा आंसर आएगा, और पीछे हमारा नीचे हमारा 10 है, 10 का जब 0 बढ़ाएंगे तो 652.8 ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो कहाँ पर है, 652.8, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ये मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, फिर जितना आएगा आप नीचे से एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 652.8 ये आपका उत्तर रहेगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप फार्मूला लगा के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर पर। 55 नंबर का प्रश्न हमसे कह रहा है, राकेश चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए सावधि जमा योजना में 10,000 रुपये निवेश करता है, चलिए ठीक है। उस सावधि जमा की परिपक्वता की राशि कितनी होगी, यानी कि हमें मिश्रधन निकालना है। परिपक्वता मतलब जो हमें रुपया बाद में मिलता है, यानी कि कौन सा रुपया बाद में मिलता है, मिश्रधन मिलता है, तो हमें मिश्रधन निकालना है। बहुत ही आसान तरीका है, चाहे आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग बार बार फ्रैक्शन का ही मेथड यूज कर रहे हैं तो फ्रैक्शन से लगा लेते हैं। आप चाहें तो इसे आप फॉर्मूला रखकर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं या फॉर्मूला रख देते हैं, क्या करना है। मिश्रधन बराबर होता है पी 1+R/100 की पावर कितना होता है एन, यहाँ टी भी लिख सकते हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला रखते हैं। मूलधन कितना है, मूलधन आपका 10,000 रुपया दिया गया है, ये 10,000 है। 1+R की वैल्यू कितनी है, 5%, नीचे है 100, और समय कितना दिया गया है, समय आपका 2 वर्ष, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ n भी लिख सकते हैं, इस समय को n भी कहते हैं और t भी कहते हैं, तो चाहे n लिखिए चाहे t लिखिए। इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 20 आएगा, यहाँ 5 एकम 5 रहेगा, यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो ये 20 हो जाएगा और 1 21 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि नीचे क्या रहेगा, नीचे आप ऊपर आपका 10,000 रहेगा और यहाँ हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 21, नीचे हो जाएगा 20, तो 21/20 आएगा। 21/20 का वर्ग करना है, यानी कि इसका आप 2 बार गुणा करना है, कुल मिला के इसका 2 बार आपका 21/20 × 21/20 करना है। ये 2 0 2 0 से कैंसिल आउट कर दीजिएगा, 2 2 4 हो गया, और 4 का आप 25 से कैंसिल आउट करेंगे, 100 को कैंसिल आउट करेंगे तो 25 बार कटेगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका गुणा करना है 25 का, फिर 21 का और फिर 21 का, ये आपको मल्टीप्लाई करना है, तो उसका गुणा करके आप आंसर निकाल सकते हैं, अथवा दूसरा काम कर सकते हैं। दूसरा काम कौन सा होता है, जो हम लोग अधिकांश प्रश्न में करते हैं, अधिकांश प्रश्न में क्या कर रहे हैं, हम लोग इकाई का अंक निकाल रहे हैं,
देखिए सारी वैल्यू में इकाई के अंक अलग अलग आ रहे हैं, इसमें 5 आ रहा है, बाकी सब में 0 आ रहा है। अगर हम 5 का हम यहाँ 1 में गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 रहेगा, फिर 5 का इस 1 में गुणा करेंगे 5 एकम 5, यानी कि इकाई के अंक का अगर हम गुणा करें तो हमारा पीछे पीछे 5 आ रहा है, उसके आगे क्या होगा इससे हमें मतलब नहीं, पीछे हमारा 5 आएगा और पीछे हमारा 5 ऑप्शन नंबर डी में ही आ रहा है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो यही आपका 11025 ही आंसर आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही रहेगा। ऑप्शन हमें मिल चुका है, पूरा मल्टीप्लाई करने का हमें कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपने 56 नंबर पे के प्रश्न पर। नंबर का क्वेश्चन है, ए एक निश्चित ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपए निवेश करता है, दूसरे वर्ष के अंत में उसे कुल राशि 11,664 रुपए प्राप्त हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित किया जाता है। तो ब्याज की दर हमें यानी कि आर की वैल्यू हमें निकालना है, समय हमें 2 वर्ष दिया गया है, मूलधन हमारा 10,000 है, मिश्रधन हमारा 11,664 है। तो इसमें हम लोग सीधा फार्मूला लगाएंगे, इसके कुछ शॉर्टकट तरीके भी होते हैं, लेकिन शॉर्टकट तरीके जब तक आप लगाएंगे तब तक सीधा फार्मूला लगा कर भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो फार्मूला क्या होता है मिश्रधन का, मिश्रधन को हम लोग अमाउंट कहते हैं, ए बराबर पी 1+R/100 की पावर एन या टी कुछ भी लिखिए, सीधा सीधा फार्मूला लगाते हैं। मिश्रधन कितना है 11,664 रुपया हमारा मिश्रधन है, मूलधन कितना है, मूलधन हमारा 10,000 रुपया है, ठीक है, और 1+R/100 की पावर समय कितना है, समय आपका 2 वर्ष है, आर का मान हमें नहीं पता है इसलिए आर ही हमें निकालना है, क्लियर। अब 10,000 का इधर भाग कर देंगे तो ये 11,664 हो जाएगा, नीचे कितना बचेगा, नीचे हमारा 10,000 बचा है, बराबर कितना बचेगा 1+R/100 की पावर एन। इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसको समझ लीजिए, अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता इसको हम लोग 4 से कैंसिल आउट करते हैं, तो 4 × 2 = 8, यहाँ आपका 3 बचेगा 36 हो जाएगा, 4 × 9 = 36, 4 × 1 = 4, 2 बचेगा 4 × 6 = 24, इसे 4 से कैंसिल आउट करते हैं तो 4 × 2 = 8 और 4 × 5 = 20, ये और ये 2 0, क्लियर। अब ये फिर से अगेन 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 से कैंसिल आउट करने के लिए पहले हम लोग पेन को चेंज कर लेते हैं, नहीं तो यहाँ पर दिक्कत आएगी। चलिए देखिए 4 से फिर कैंसिल आउट करते हैं, इसको और इसको कैंसिल आउट करते हैं 4 से, तो 4 × 7 = 28, 1 बचेगा हो जाएगा 11, 4 × 2 = 8, ठीक है, 3 बचेगा हो जाएगा 36, 4 × 9 = 36, यहाँ आप कितना आ रहा है 729 आ रहा है, इसको 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 4 × 6 = 24, 1 बचेगा हो जाएगा 10, 4 × 2 = 8, 2 बचेगा हो जाएगा 20, 4 × 5 = 20, यानी कुल मिला के आपका कितना रहा है, आपका 729/625 और बराबर 1+R/100, ये आपका आ रहा है। पेन थोड़ा दिक्कत कर रहा है इसलिए इसको हम लोग दोबारा पेन का कलर चेंज करते हैं, इसको हम आपकी रेड बना लेते हैं, 1 मिनट हो जाइए, आंसर बस आने वाला है। देखिए ये 729 किसका वर्ग होता है और 625 किसका वर्ग होता है, 729 जो आपका वर्ग होता है वो 27 का वर्ग होता है, ठीक है, और 625 किसका वर्ग होता है, ये आपका 25 का वर्ग होता है, तो इसको आप वर्ग के रूप में लिख दीजिए, बराबर 1+R/100, ये हमारा नीचे लिखा ही है, ठीक है। अब यहाँ पर एक करणी का एक नियम लगता है कि अगर घातें बराबर होती हैं तो हमारा आधार बराबर होता है, यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर भी घात 2 है, तो घातें बराबर हैं तो हमारा आधार बराबर होगा, यानी कि 27/25 बराबर हो जाएगा 1+R/100, ये आपका इसके बराबर रहेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, सॉल्व यहीं पर हम लोग कर लेते हैं, छोटी सी जगह है यहीं पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 1 को हम लोग इस तरफ भेज देते हैं तो 27/25 - 1 बराबर हो जाएगा कितना, R/100, ये पेन में कुछ दिक्कत हो रही है लेकिन इसको आप देख लीजिएगा, 25 इधर एलसीएम लेंगे तो यहाँ ऊपर 25 चला जाएगा, 27 में से 25 घटेगा तो बचेगा 2, तो 2/2 हो गया 25, और ये 100 नीचे है, 100 का 3 गुणा ऊपर कर देंगे तो हो जाएगा 100, और यहाँ बचेगा R, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 25 × 4 = 100 और 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 × 2 आ जाएगा 8, तो 8% आपका आंसर रहेगा, R की वैल्यू कितनी आएगी 8%, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। इसके कुछ शॉर्टकट तरीके भी होते हैं, सीधे हम लोग ये क्या करते हैं, ये जो मिश्रधन आपका दिया गया है ये मूलधन दिया गया है, यहीं से हम लोग अंदाजा से ही क्वेश्चन का आंसर निकाल देते हैं, लेकिन वो शॉर्ट तरीके अभी हम लोग नहीं सीखेंगे क्योंकि उसमें दिक्कत लगेगा सीखने में, समझाना
कुछ ज्यादा ही पड़ेगा। तो इसलिए सीधे डायरेक्ट हम लोगों ने इस फॉर्मूले से ही इस प्रश्न को सॉल्व किया है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, 57 नंबर पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। 57 नंबर का प्रश्न कह रहा है, ए एक बैंक से निश्चित राशि 8% ब्याज की दर पर लेता है, जिसे ब्याज छमाही में चक्रवृद्धि किया जाता है, यानी कि ब्याज जो हमारा निकाला जाता है वो छमाही के हिसाब से निकाला जाता है। यदि उसने 1.5 वर्ष पश्चात 1,96,851 रुपये अदा किए हों तो मूलधन कितना है, ये हमें निकालना है। ये आपका मिश्रधन दिया गया है, यानी कि अमाउंट की वैल्यू दिया गया है। अब आप ध्यान से देख लीजिए, जो आपका ब्याज लग रहा है 8%, ये आपका वार्षिक ब्याज लग रहा है। जो 8% आपका ब्याज लग रहा है, वार्षिक में हमारा ब्याज कितना है, वार्षिक में हमारा 8% है। हमें जमा कितना करना है, 1.5 वर्ष के लिए जमा करना है, यानी 1 वर्ष पूरा पूरा और 6 महीने। तो कुल कितनी छमाही के लिए हमें जमा करना है, हमें 3 छमाही के लिए जमा करना है, 3 छमाही में हमें जमा करना है, ठीक है। तो अगर हमारा ब्याज की दर वार्षिक में 8% है तो छमाही में ब्याज की दर कितनी होगी, छमाही में आपकी ब्याज की दर 8.4% हो जाएगा, ठीक है। और यानी आर की वैल्यू आपकी 4% हो गई और टी की वैल्यू कितनी है, 3 छमाही, 1.5 वर्ष में कितनी छमाही होगी, 3 छमाही होगी, यानी कि हमारी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इस प्रश्न को हम लोग फ्रैक्शन के तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे तो कुछ आसान रहेगा, बाकी का आप इसमें फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो फ्रैक्शन से सॉल्व करने के लिए छमाही का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको हम लोग लिखते हैं। इसको हम लोग तुरंत किस में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन में। तो प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ऊपर 1 रहेगा, नीचे कितना रहेगा, 25, यानी 25 रुपये पर आपको 1 रुपया ब्याज मिल रहा है। तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा, 26 रुपया हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा, 25 से हो जाएगा। लेकिन ऐसा कितनी बार करना है, टी की वैल्यू 3 है, यानी कि ऐसा आपको 3 बार करना है। तो 26/25 और मल्टीप्लाई 26/25, ऐसा आपको 3 बार करना है। ये ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, ये हमारी वैल्यू मिश्रधन होती है, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, नीचे वाली वैल्यू हमारी मूलधन होती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब अपने हिसाब से प्रश्न को सॉल्व कर लेना है। ये जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू लिखी गई है 1,96,851, ये क्या है, ये आपका मिश्रधन है। ये जो रुपया में लिखा गया है ये आपका मिश्रधन है, और मिश्रधन की वैल्यू हम अपने हिसाब से फ्रैक्शन में कितना निकाल चुके हैं, 26 मल्टीप्लाई बाई 26, ठीक है। निकालना क्या है, निकालना हमें मूलधन है। मूलधन की फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी है, 25 मल्टीप्लाई बाई 25, ये हमें निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर कोई वैल्यू आपकी कैंसिल आउट नहीं हो रही है। ये कैलकुलेशन बहुत ही कठिन है और बहुत ही बड़ी कैलकुलेशन इसमें हमें प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि ये 13 से कटने वाला नहीं है, 2 से भी नहीं कटने वाला है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, कैलकुलेशन आपको इसमें करनी ही पड़ेगी, और कैलकुलेशन आप बैठ के आराम से करिएगा, ठीक है। अगर एग्जाम रूम में यानी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आ जाए जिसमें कैलकुलेशन ना कर पाए तो उसको आपको छोड़ना ही है, प्रश्न को छोड़कर ही आना है, क्योंकि सारे आंसर हमारे बहुत ही नज़दीक हैं, हम कहीं से अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे, कि अंदाजा विधि या गैस लगा के हम लोग आंसर नहीं लगा सकते हैं इसमें क्या होगा। तो इसमें आपको कैलकुलेशन करनी है, तो आराम से आप बैठ के गुणा करिए, फिर 26 का भाग करिए, इतना अगर टाइम हो तो करते रहिए, नहीं तो प्रश्न छोड़ के आप आ जाएंगे। वैसे इसको पूरे प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 175,000, यानी 1,75,000, ये ऑप्शन नंबर बी आपका आ जाएगा। और ये आंसर जो आएगा वो एग्जैक्ट नहीं आएगा, लगभग में आंसर आएगा, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू आपकी आंसर में नहीं रहेगी, लगभग में आपका आंसर आएगा, 1,75,000 के लगभग में आपका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। कैलकुलेशन आपको ही करनी है, गुणा भाग आपको ही करना है। आगे बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पर। प्रश्न तो बहुत ही छोटा इसमें लिखा गया है, एक बैंक बचत खाते पर 4x, ये 4x नहीं है, 4% है, ठीक है, ये 4x नहीं है, 4% है की दर से छमाही में ब्याज देती है, तो वर्ष के अंत में प्रभावी ब्याज की दर क्या होगी। तो ये 4% जो है ये वार्षिक है, ठीक है, ये 4% जो है ये वार्षिक है, क्लियर। और हमें छमाही में निकालना है, तो 4% अगर वार्षिक है, 4% की जो दर है ये हमारी वार्षिक है, तो छमाही में कितना हो जाएगा,
छमाही में हमारा कितना हो जाएगा, हमें पता है इसका आधा हो जाएगा यानी कि 2% हो जाएगा, लेकिन हमारी कितनी छमाही रहेगी, 2 छमाही होती है, तो 1 वर्ष में 2 छमाही तो होती है, तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर, ये पहली छमाही के लिए है, ये दूसरी छमाही के लिए है। पहली छमाही में हमें कितना ब्याज मिलेगा, 2%, दूसरी छमाही में कितना ब्याज मिलेगा, 2% तो मिलेगा ही, बाकी पहली छमाही का जो ब्याज है उस पर भी 2% मिलेगा, तो पहली छमाही पर कितना ब्याज था, 2%, तो 2% निकालें कितना होता है, 2% निकालने के लिए परसेंट का चिन्ह हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पर ये 0, 2 0 नीचे रहेगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0.04% हो जाएगा। तो 2% की वैल्यू कितनी होती है, 0.04% होती है। टोटल ब्याज जोड़ दीजिए, 2 2 हो गया 4, ठीक है, 2 2 4 और यहाँ पर 0.04%, तो टोटल ब्याज कितना होगा, टोटल ब्याज आपका 4.04%, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। प्रश्न हमसे ये पूछ रहा था कि अगर 4% हमारी ब्याज की दर वार्षिक हो तो अगर हम छमाही में कैलकुलेट करें तो हमारी ब्याज की दर क्या होगी, तो छमाही में अगर कैलकुलेट करेंगे तो वर्ष में 2 छमाही होती हैं, पहली छमाही पर 2%, दूसरी छमाही पर आपका 2% मिलेगा, और दूसरी छमाही पर जो पहली छमाही ब्याज पर ब्याज मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज मिलता है, तो जो पहली छमाही पर आपको 2% मिला था उस पर भी ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा, 2%, तो कितना हो जाएगा, 0.04% ये आपका ब्याज मिलेगा। ठीक है, इसके लिए कुछ लोग एक फार्मूला भी यूज करते हैं, परसेंटेज में आपने पढ़ा होगा, उसको आप रख लीजिएगा, x+xy/xy/100, ये फार्मूला यूज किया जाता है, इसको भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले और दूसरी दोनों वैल्यू बराबर हैं, यानी पहले छमाही और दूसरी छमाही के लिए 2-2% ही मिल रहा है, सॉरी, तो यहाँ पर हम लोग क्या फार्मूला लिख सकते हैं, y की यहाँ पर x लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपका दोनों वैल्यू बराबर हैं, तो ये हो जाएगा x+x और प्लस के x²/100, ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो अगर इस तरीके से नहीं पता है तो इस तरीके से आप कर लीजिए। ये प्रश्न मौखिक प्रश्न है, अगर ये आपके एग्जाम में आ जाता है तो ये आपको मौखिक ही लगाना है, इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, यानी अपना समय खराब नहीं करना है। आगे 59 नंबर का प्रश्न है, ये हमारा बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसको आराम से आप समझ लीजिए। 30,000 रुपए का 2 वर्ष और 73 दिनों के लिए 35/4% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यही हमें निकालना है। तो बहुत ही खतरनाक इसमें कैलकुलेशन है, लेकिन समझने के लिए कुछ चीज़ें हैं, उसको पहले समझ लीजिएगा। ये हमारा पहले समय पर बात करते हैं, समय हमारा 2 वर्ष और प्लस के 73 दिन दिया गया है, ठीक है, तो इस 73 दिन को भी आपको वर्ष बदलना पड़ेगा, तो पूरे टोटल 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं, यानी 365 से भाग करेंगे तो ये आपका दिन के बजाय आपके वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ आपका 2 वर्ष रहेगा और प्लस ये 73 को 365 से कन्वर्ट करेंगे तो 1/5 आएगा, ये 73 पूरा इससे 5 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/5 वर्ष रहेगा, यानी कि 2 वर्ष आपका पूरा रहेगा और 1/5 वर्ष ये आपका अधूरा रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज ना निकाल कर हम लोग मिश्रधन निकालेंगे, तो मिश्रधन का जो फार्मूला होता है ये बराबर वो होता है P1+R/100T, ये पहला वाला 2 वर्ष के लिए पावर टी है, और (×1+R)(T), ये दूसरे के लिए इसको हम T1 मान लेते हैं, ये दूसरा वाला जो समय है ये वाला इसको हम लोग T1 मान लेते हैं, ठीक है, तो T1/100 ये हमारा फार्मूला यूज होता है। क्लियर, इसी फार्मूले को हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, तो पी के पहले हम लोग मिश्रधन निकाल ले रहे हैं, मिश्रधन निकालने के बाद फिर उसमें हम लोग मूलधन यानी 30,000 घटा देंगे तो हमारा ब्याज निकल आएगा, क्योंकि अगर हम लोग डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगाएंगे तो वो फार्मूला बहुत ही बड़ा होता है, उसमें कैलकुलेशन बहुत ही बड़ी करनी पड़ती है। तो चलिए सारी की वैल्यू हम लोग रखते हैं, हमारा मूलधन कितना है, हमारा मूलधन है 30,000 रुपया, हमारा मूलधन है 1+R की वैल्यू कितनी है 35/4, ये आपकी और की वैल्यू है, यहाँ पर नीचे 100 भी रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर क्या रहेगा, 1+R की वैल्यू है 35/4 और नीचे 100, ठीक है, और यहाँ पर आपका टी का मान भी रखना है, टी का मान 1/5 रखना है, तो शायद आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देख लीजिए दिख रहा होगा, टी का मान भी यहाँ पर हमने 1/5 रखा है, इसको इधर हम लोग सॉल्व करते हैं, ये आगे कुछ बड़ा सा लिख दिया इसलिए दिक्कत हो गई है,
सॉल्व करते हैं, ये आपका 30,000 रहेगा यहाँ पर, इसको सॉल्व करेंगे तो 35 को हम लोग सॉल्व करेंगे किससे, 5 से कैंसिल आउट करते हैं, तो 5 × 7 = 35 और 5 × 2 = 10 यानी कि यहाँ 20 और 4 का गुणा होगा तो हो जाएगा 80 और 80 ऊपर एलसीएम लेंगे तो यहाँ 80 रहेगा और ये 7 हो जाएगा 87, तो 80 × 7 = 87। ठीक है, यहाँ पर घात 2 है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर घात टी की वैल्यू 2 है, यहाँ घात 2 रहेगी तो 87/87 यानी कि 2 बार आपका रहेगा। और इधर वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं, ये 5 से आपका 35 7 बार कटेगा। ठीक है, तो अब नीचे वाला तो कुछ कटने वाला है नहीं, 4 से 100 400 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 400 यहाँ भी जाएगा, हो जाएगा ऊपर 407, यहाँ 407 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 400। क्लियर, अब इसको सॉल्व करते हैं, आपके 4 जीरो नीचे हैं और 4 जीरो आपके ऊपर हैं, तो जीरो तो हमारे पूरे पूरे कैंसिल आउट हो गए हैं और नीचे कुछ कैंसिल होने के लिए नहीं बचा है। बचा क्या है आपका, यहाँ पर 3 बचा है, यहाँ पर आपका 87 बचा है, यहाँ पर 87 बचा है, यहाँ पर 407 बचा है। ठीक है, नीचे क्या बचा है, ये वाला 8 बचा है, यहाँ पर भी 8 बचा है और ये वाला यहाँ पर अभी 4 बचा है, तो बहुत ही खतरनाक वैल्यू आपकी बची है। जब आप इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे, गुणा भाग आपको ही करना है, जब इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 36,110.8582, ये आपका आंसर आएगा इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करने पर। तो ये तो हमारा मिश्रधन रहेगा, मिश्रधन में से अगर हम लोग मूलधन घटा देंगे, मूलधन कितना था 30,000 रुपया घटा देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, ब्याज निकल के आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर वाली वैल्यू आएगी, इसमें से हमें मूलधन घटाना है तो मूलधन घटा दीजिए, आपका आंसर आ कितना आएगा 582, यहाँ पर 0 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 6, यानी कि 6,110.582 ये आपका आंसर रहेगा। और यहाँ पर आपका कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये सारे ऑप्शन आपके गलत हैं, तो रेलवे NTPC में ये भी आपको ध्यान में रखना है कि बड़ी मेहनत के बाद अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो भी कभी कभी आपके ऑप्शन गलत रहते हैं, 30 में से कम 1-2 प्रश्न तो ऐसे मिलेंगे ही जिसमें आपके ऑप्शन गलत होंगे, जिसमें आपकी वैल्यू गलत लिखी गई होगी, तो ये सारे ऑप्शन इसमें गलत हैं। रेलवे NTPC ने इस जो आपका प्रश्न है इस प्रश्न को गलत मानकर सभी को नंबर प्रदान किए थे, इसका एग्जैक्ट आंसर कितना रहेगा 6,110.582 ये इसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा। तो बहुत ही खतरनाक सा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन इसकी बहुत ही बड़ी थी, आप इस लोग इसकी कैलकुलेशन को कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी प्रश्न पर, चलिए इसको जल्दी से हम लोग निपटाते हैं। 12,000 रुपए को 7% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, 2 वर्ष के अंत में कितनी धनराशि प्राप्त होगी, यानी कि हमें मिश्रधन निकालना है। मिश्रधन का आप सीधा सीधा फार्मूला लगा दीजिए, सीधा फार्मूला लगाते हैं, मिश्रधन का a = p(1+r)/100n, ये सीधा फार्मूला लगाते हैं, आप इसमें फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, परसेंटेज से भी कर सकते हैं। तो हमारा मूलधन कितना है, हमारा मूलधन 12,000 रुपया है, ये हमारा मूलधन हो गया। 1+r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू आपकी 7% है, नीचे कितना है 100 और समय कितना दिया गया है, समय 2 वर्ष दिया गया है, यानी n की वैल्यू हो जाएगी 2, तो यहाँ n भी लिख सकते हैं अथवा आप 2 भी लिख सकते हैं, ये आपका 12,000 हो जाएगा, यहाँ कुछ कटने वाला तो है नहीं, तो ये हो जाएगा 100, यहाँ LCM जाएगा तो यहाँ 100 और 7 107 हो जाएगा, नीचे कितना रहेगा 100 और घात 2 है तो यही संख्या आपकी 2 बार रहेगी। ठीक है, यही संख्या आपकी 2 बार रहेगी, ये 3 जीरो नीचे वाले 3 जीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना दिमाग लगाना है, दिमाग देखिए नीचे 10 है यानी एक अंक के बाद दशमलव तो रहेगा ही, तो एक अंक के बाद दशमलव होगा तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि यहाँ इसमें दशमलव नहीं आ रहा है, या तो हमारा ये वाला सही होगा या तो हमारा ये वाला सही होगा क्योंकि इन्हीं दोनों संख्याओं में दशमलव आ रहा है, नीचे आपका 10 बचा है यानी कि ऊपर दशमलव एक रहेगा ही। अब आप क्या करिए, अब आप इकाई के अंक का गुणा करिए, चलिए इकाई का अंक देखते हैं, 7 का 7 में गुणा करेंगे कितना आता है 49 आता है, 7 का 7 में गुणा करेंगे तो 49 यानी 49 आता है, इकाई का अंक कितना है 9 और यहाँ कितना है 2 तो यहाँ 12 है, तो इकाई के अंक 9 का 2 में गुणा करेंगे तो 9 × 18 यानी कि हमारा जब भी गुणा करेंगे तो पीछे कितना रहेगा, पीछे आपका 8 रहेगा, यानी इकाई का अंक हमारा 8 होगा और इकाई का अंक 8 आपका ऑप्शन नंबर ए में ही आ रहा है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगर इकाई का अंक नहीं देख पा रहे हैं तो फिर से यहाँ पर चेक कर लीजिए, 2 का इकाई का अंक 7 में गुणा करते हैं,
दो का 7 गुणा करेंगे, 7 दुनी 14, तो 14 में इकाई का अंक कितना है 4, तो 4 को पकड़ लीजिए, 4 का फिर इस पीछे वाली संख्या है 7 में गुणा करिए, 7 चौक 28, यानी कि हमारा पीछे 8 रहेगा, आगे कितना है इससे हमें मतलब नहीं है, तो पीछे 8 सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, इसी प्रकार ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगर आप टोटल पूरा सॉल्व करना चाहें तो गुणा करके आप आंसर निकाल लीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर आएगा। तो ये आज हमारे कुछ प्रश्न थे, 60 प्रश्न आपके चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज वाले चैप्टर में लगाए गए थे। इसमें इस चैप्टर में हमारे पास बस इतने ही प्रश्न थे, इसके आगे के प्रश्न लगाने के लिए हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और अगला चैप्टर हमारा क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है, उसके भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, तो अगले वीडियो में हम लोग क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप लोग वीडियो को लगातार देखते रहिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।